तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो एक कमेंट के ऊपर होने वाला है, क्योंकि एक भाई ने एक प्यारा सा कमेंट किया है कि भाई रेडमी 11 प्राइम पर वीडियो बनाइए, और मैं उसी के ऊपर ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर किसी फोन का कंपैरिजन करवाना चाहते हो या किसी फोन के बारे में पूरा जानकारी आप पाना चाहते हो तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। फ्रेंड्स उस भाई के चैनल का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनका कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा, जिससे हमारे सारे दोस्तों को पता चल जाएगा कि कौन भाई ने कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स हम रेडमी 11 प्राइम के बारे में सारा कुछ जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या उसमें अच्छा और क्या खराब देखने को मिलता है। अगर आप पहले से वो फोन को यूज करते आ रहे हो तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप उस फोन का पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो से ले सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं छोटा सा एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा दिल भर जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब किसी का कमेंट आएगा, और हम एक एक कमेंट के लिए इतना ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करते जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है ताकि हम और वीडियो आप लोग के लिए बना सकें। तो फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो फोन है रेडमी 11 प्राइम, ये 5G के सपोर्ट के साथ आती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका नाम ही है रेडमी 11 प्राइम 5G। तो फ्रेंड्स पहले हम इस फोन के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। इसका प्राइस हमें 12,999 के अंडर प्राइस में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो ऑफलाइन आपको 12,999 यानी 13,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अगर आप जाते हो ऑनलाइन खरीदने के लिए तो शायद 100-200 रुपए आपको ज्यादा पे करना होगा फ्रेंड्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें आपको डिलीवरी चार्जेस लगते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन को रेडमी ने 9 सितंबर 2022 को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन के लुक और डिजाइन के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको जबरदस्त लुक और डिजाइन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन का आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक। आप तीनों में से किसी को आप पसंद करते हो तो आप उसको बाय कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन में आपको 8.9mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, और 200 ग्राम ये फोन आपको भारी देखने को मिल जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें आपको 5000mAh की लंबी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन का आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, एक है 4GB 64GB और एक है 6GB 128GB। तो दोनों में आपको लगभग 2000 का फर्क देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, और दोनों फोन आपको 5G के सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का बहुत बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जिससे हमें पता चलता है कि ये फोन गेमिंग का बादशाह होने वाला है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी का जो प्रोसेसर है बहुत बढ़िया और जबरदस्त आता है फ्रेंड्स। ये लगभग आपको बड़े बड़े स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये आपको ओप्पो, वीवो और वन प्लस तक का स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर बहुत हार्ड होता है फ्रेंड्स, और ये गेमिंग के लिए और लैग नहीं होगा, और ये फोन आपको हॉट बहुत कम होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन में आपको 2.2GHz का ड्यूल ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है फ्रेंड्स, जिससे आपका फोन काफी स्मूथ चलने वाला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात कर ले तो इस फोन में आपको बैक साइड में 2 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, एक आपको LED लाइट भी देखने को मिल जाएगा। इस फोन का मेन कैमरा आपको 50MP का देखने को मिल जाएगा, और 2MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बैक साइड का कैमरा जबरदस्त देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आप 90:20 से लेकर 1080p से 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये काफी अच्छी बात है कि अगर आप YouTube के लिए वीडियो शूट करना चाहते हो या और अदर वीडियो शूट ब्लॉग वगैरह करना चाहते हो तो आप अच्छे से कर पाओगे, और आपका फोन ज्यादा रुकेगा नहीं और हैंग और लैग नहीं होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन के फ्रंट साइड में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। अगर हम फ्रंट कैमरा के बारे में बात कर ले फ्रेंड्स, तो इसमें भी आप 90:20 से लेकर 1080p तक 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको 6.58 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है फ्रेंड्स। इस फोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जिससे हमें पता चलता है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज करते हो या PUBG, फ्री फायर अगर आप खेलते हो तो आपका फोन जो का डिस्प्ले है वो काफी फास्ट काम करेगी फ्रेंड्स। और इस फोन में आपको फुल HD+ डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जिससे आप 1080 तक यानी कि 2K या 4K तक वीडियो देख सकते हो फ्रेंड्स, आप वहां तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन में आपको 1080p से लेकर 2400 पिक्सल तक का वीडियो रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का
स्क्रीन प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। अगर आपका फोन कहीं से गिर जाता है या गलती से छूट जाता है तो आपका फोन का डिस्प्ले टूटने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन के बैटरी सेटअप के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको लिथियम पॉलीमर का लगा हुआ 5000 mAh की लंबी बैटरी भी देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। इस फोन के बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस फोन में आपको टाइप सी का सपोर्ट भी दिया गया है फ्रेंड्स, जिससे आपका फोन काफी जल्दी चार्ज होगा। लगभग एक घंटा में आपका फोन 1 से 100 तक फुल्ली चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन के अंदर आप 2 नैनो सिम के साथ 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो फ्रेंड्स। कंपेयर भी करना चाहते हो कि 5G का नेटवर्क काफी फास्ट चलता है या 4G का, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स। 5G सपोर्टेड इन इंडिया, तो यस बिल्कुल आप इंडिया के अंदर 5G सिम को यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। इस फोन में लाउड साउंड का भी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस फोन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है फ्रेंड्स, जिससे आप अंधेरे में लेकर जाकर या कंबल के अंदर लेकर जाकर आप 3.5 mm जैक का उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप गाने सुन सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप पहले से इस फोन को यूज करते आ रहे हो तो आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल चुका होगा फ्रेंड्स, तो आप एंड्रॉइड 13 का अपडेट कर लीजिएगा, जिससे आपका फोन काफी फास्ट चलने लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको इन द बॉक्स एंड्रॉइड 12 का ही अपडेट देखने को मिलता है फ्रेंड्स, और फ्यूचर में आपको एंड्रॉइड 13 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस फोन के अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी भी दी गई है फ्रेंड्स। अगर आपका फोन 1 साल से पहले खराब हो जाता है तो आप रेडमी के सर्विस सेंटर में लेकर जाइए और वहां पर अपना फोन दीजिए, तो आपका फोन लगभग 1-1.5 साल के अंदर बना के दे देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप पहले से रेडमी 11 प्राइम को यूज करते आ रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है फ्रेंड्स, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बना सके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या आप भी किसी फोन का कंपैरिजन करवाना चाहते हो या किसी फोन के बारे में सारा कुछ जानना चाहते हो, तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और उस कमेंट में आपको फोन का डिटेल प्रोवाइड कर देना है फ्रेंड्स, जिस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।